हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्रश क्या होता है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं इसी तरह की डेली वीडियो लेके आती हूँ। सो व्हाट इज़ द मीनिंग क्रश? ये आपने वर्ड सुना होगा सोशल मीडिया पर, ज़्यादातर FB फेसबुक को हम बोलते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब किसी पोस्ट वगैरह पर क्रश देखते हैं, या फिर आप कभी टिकटॉक यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपने वीडियोस में सुना होगा क्रश। तो मुझे DM आया था इंस्टा पे कि क्रश को हम किसको बोल सकते हैं, हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को। उन लोगों को इनमें कन्फ्यूजन थी कि क्रश हम किसको बोल सकते हैं। तो क्रश का मतलब होता है वो लड़का या लड़की जिस पर आपका दिल आया हुआ हो लेकिन आपने उससे ऐसा कहा नहीं हो। हम किसी चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है एकदम से, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्रश है। क्रश के लिए हम ये नहीं कि अपने बॉयफ्रेंड को ही बोलना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ देख कर पसंद आ रही है, जैसे मान लेगा अगर किसी लड़के को कोई लड़का पसंद आ रहा है तो वो भी ये बोल सकती है कि मेरा यह है, मेरा क्रश है। अगर आपको भी कोई लड़का पसंद आ रहा है बट आपने उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया है तो आप उसको इजीली बोल सकते हो कि ये मेरा क्रश है। वैसे इसका मतलब अगर आप सर्च वगैरह करोगे तो आपको इसका मतलब यही मिलेगा कि पहला प्यार। आप इसको अगर आपको कोई किसी लड़के को देखकर पहली बार में प्यार हो गया है तो आप वहाँ पर भी बोल सकते हो कि ये मेरा क्रश है। लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी बोल सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि क्रश लड़कों को ही बोला जाता है। लड़का लड़की को बोल सकते हैं, लड़का लड़की को बोल सकता है। ठीक है गाइस, सो आप समझ पाए होंगे मेरा मतलब, जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। क्रश ये कोई इतना बड़ा वर्ड नहीं है कि जो आपको समझने में टाइम लगे, बट अगर छोटी सी इन्फॉर्मेशन से आपको लाइफ में कोई वर्ड देख के समझ आ जाए तो वो बेकार भी नहीं जाती। तो गाइस, मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आई हो वीडियो। तो अगर आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना, एंड मैं ऐसे ही वीडियो लेके आती हूँ आगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।